अब हम बात करते हैं सुपर क्लास एक्नेंथा की सुपर क्लास एक्नेंथा को हम लोग सबसे ज़्यादा पहला प्रीमेटिव वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं यानी ये वो वर्टिब्रेट्स थे जो कि सबसे पहले दुनिया में आए थे अगर हम इनके जनरल करेक्टर्स की बात करें तो इनकी बॉडी जो होती है वो एक ई e लाइक -like होती है यानी एक लंबी सिलेंड्रिकल होती है और उसके ऊपर जो होता है वो स्किन के ऊपर कोई भी स्केल्स नहीं प्रेजेंट होते इनका स्केलेटन जो होता है या तो वो कार्टिलेज से बना होगा या वो फाइब्रस होगा नोट ओ इनके लावा से लेकर इनके एंड टाइम तक प्रेजेंट होती है और फिर इनके जो सेक्सेज होते हैं वो सेपरेट होते हैं विच मीन्स के मेल एंड फीमेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं फिर उसके बाद इनके अंदर जो फ़र्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो पानी के अंदर होता है यानी एक्सटर्नली होता है अगर हम इसको देखें तो हम इसको फर्दर दो ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं एक मैगजीनी और सिफेलोपिडोमॉर्फी पहले बात करते हैं मैगजीनी की मैगजीनी अगर देखा जाए कंपेरिजन में तो सबसे पहले आया था इसके अंदर कोई भी पेयर अपेंडिजिस नहीं होती कोई डॉर्सल फिन नहीं होता इसका जो माउथ होता है वो बाइटिंग होता है लेकिन उसके आगे कुछ टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर जो होता है ये आपके जो है ये हैक फिश इसकी कॉमन एग्जाम्पल है ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये अपने माउथ या टेंटिकल्स के थ्रू जो है ये मूव करते हैं ये मड में रहते हैं और मड के अंदर रहते हुए ये अपने प्रे को कैच कर लेते हैं और प्रे को कैच करने के बाद उसको अपने माउथ के थ्रू जो है वो सकिंग एक्शन परफॉर्म करके उसको ईट करते हैं ये समाइम्स जो होता है ये ब्लड के ऊपर एनिमल के ब्लड के ऊपर भी जो होता है ये फ़ीड कर लेते हैं फिर उसके बाद हम बात करते हैं सिफेलोपीडोमॉर्फी की सिफेलोपिडोमॉर्फी जो है उसके अंदर आपके मीडियम फिन तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन कोई पेयर अपनडिज़ नहीं होते यानी कि लेग्स या कोई फिनस जो होते हैं वो पेयर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है इनकी ओरल डिस्क जो होती है वो भी शक्कर लाइक होते हैं लेकिन इनकी टंग और टीथ जो होते हैं वो वेल डिवेलप होते हैं इनके टीथ रेस्पिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं रेस्पिंग एक्शन का मतलब ये है कि अगर ये अपने पेयर को या प्रे को कैप्चर करेंगी तो उसको अपने टीथ और टंग के थ्रू जो है वो उसका गोश्त जो है वो खाना शुरू कर देंगी और ये समटाइम्स ऐसा करते हैं कि पूरी बॉडी के अंदर घुस जाती हैं और पूरा गोश्त खाने के बाद जो है वो उसका एनिमल का जो है वो स्केलेटन छोड़ देती हैं अब हम बात करते हैं सुपर क्लास नैन्थोस्टोमेटा की नैन्थोस्टोमेटा ये आगे फर्दर डिवाइडेड थी इंटू सिक्स कैटेगरी अगर हम इसके जनरल करेक्टर्स की बात करें तो इसके अंदर जो मेन चीज़ डिवेलप हुई कि स्कल के साथ साथ स्कल के अंदर अपर और लोअर जार्स जो थे वो डिवेलप होना शुरू हुए जो इनके अपनडिज़ यानी कि इनके अंदर फेंस आपके फोर लिम्स या हैंड हाँ लिम प्रेजेंट होते हैं वो पेयर फॉर्म में होते हैं और इनके अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम या जो स्कल था उसके अंदर कैल्शियम की जो थी वो डेपोजिशन हुई जिसकी वजह से उनको ज़्यादा ये सक्सेसफुल साइज में बड़े होते हैं और ज़्यादा बिगर और स्ट्रॉगर होते हैं इसको हम लोग सिक्स क्लासेस में डिवाइड करते हैं कॉन्ट्रोकिस ऑस्टियोकाइथिस एम्फीबिया रेप्टीलिया एव्स जो कि बर्ड्स होते हैं एंड देन आखिर में मेमेलिया पहले बात करते हैं हम लोग क्लास कॉन्ड्रिकाइथिस जिनको हम कार्टिलीजीनियस फिशेस भी कहते हैं यानी ऐसे फिशेस जिनके अंदर जो है वो स्केलेटन होता है ये मोस्टली जो होता है ये आपके शार्क्स और आपके स्केट्स और रेस जो होते हैं ये उनमें प्रजेंट होती हैं अब हम बात करते हैं इस ग्रुप के, के जनरल करेक्टर्स की सबसे पहले इनकी बॉडी जो होती है वो लेटरली कंप्रेस होती है लेटरली कंप्रेस का मतलब ये होता है कि इनकी बॉडी जो है वो इस तरह से कंप्रेस फॉर्म में होगी देन इनका माउथ जो होता है वो वेंट्रल वेंट्रिकल फॉर्म में होता है यानी कि अगर आप अगर दिस इज द फिश तो उसका माउथ जो होगा वो नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा इसके और फैक्ट्री जो सैक्स होते हैं वो माउथ के साथ कनेक्ट नहीं होते अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो इसकी स्किन जो होती है वो काफ़ी टफ होती है और वो कवर्ड होती है स्पेशल स्केल से दैट इज़ नॉन एज पैलाकॉय स्केल्स और ये पैलाकाइड स्केल जो होते हैं ये एपीडर्मस से प्रेजेंट होते हैं इनका एंडोस्केलेटन जो होता है वो कार्टिलेज होता है जिसकी वजह से इस फाइलम को हम कार्टेलेजीनियस फिशेस भी कहते हैं इनके अंदर पेक्टोरल और पेल्विक स्केल्स जो होते हैं वो होते हैं लेकिन वो प्यर फॉर्म में होते हैं इनका स्टमक जे शेप में होता है और इनके अंदर जो आपके माउथ के अंदर जो टीथ्स होते हैं वो बेसिकली आपके पैलाक्वाइट स्केल्स की मॉडिफिकेशन होती है यानी फॉर एक्जाम्पल अगर आपने शार्क को देखा होगा तो शार्क के अंदर एक रो ऑफ टीथ नहीं होती मल्टीपल रोज ऑफ टीथ होती हैं और जैसे जब वो शार्क के जो टीथ होते हैं वो वेयर आउट करते उसके साथ साथ उसके न्यू टीथ्स जो होते हैं वो डिवेलप होना शुरू हो जाते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम नए टीथ्स जो होते हैं वो पुराने टीथ्स को रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन की बात करें तो इनकी बॉडी जो थी वो स्पिंडल शेप हो गई स्पिंडल शेप का मतलब ये होता है कि इसका कोन जो लेटरल यानी कि उसका माउथ और एनस वाली जगह जो, जो, जो होती है वो थोड़ी सी कंप्रेस होती है जिसकी वजह से इसकी बॉडी जो है वो इजीली मूव कर सकते हैं इन द वाटर फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनली होती है और इनका जो माउथ होता है वो स्पेशली डिजाइंड होता है यानी कि इनके माउथ के अंदर जो पहला क्वाइट स्केल्स होते हैं वो डिज़ाइंड होते हैं टू फॉर्म द टीथ जिसकी वजह से जो है वो इजीली अपने प्रे को जो है वो कैप्चर करके किल कर सकते हैं इनके अंदर जब आप बेबीज़ प्रोड्यूस होते हैं तो वो अपनी मदर जो होती है मदर की बॉडी उनको नरिशमेंट भी प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन भी देती है उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे कैटेगरी की दैट डायडेस्टी और स्टोकाइथिस जिन्हें हम बोनी फिशेस भी कहते हैं बोनी फिशेस जो हैं ये आपकी कॉमनली फ्रेश वाटर मरीन वाटर जो होती है वो सारी जगह पर प्रेजेंट होती हैं और हम सब ने जो है वो बोनी फिशेस खाई भी हैं इन्जॉय भी की हुई हैं और फिर अगर जनरल करैक्टर की बात करें तो अगेन इनकी बॉडी जो होती है स्पिंडल शेप होती है ये कैरेक्टर जो है ये इनके कार्टिलेजीनियस फीचि से मिलता जुलता है सेकेंड इनकी बॉडी के अंदर जो होता है वो स्ट्रीमलाइन मोशन होता है एक्टिव मूवमेंट के लिए यानी अगर आप इनकी बॉडी को देखें तो इनकी बॉडी जो है वो इस तरह से जो है वो डिज़ाइन होते हैं ताकि पानी के साथ इनकी बॉडी के अंदर फ्रिक्शन जो है वो मिनिमम हो जाए इनकी बॉडी के अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके वर्टिब्रेल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से इनकी बॉडी इजीली जो है वो इस तरह से फ्लेक्सिबल होती है और मूव कर सकती है फिर अगर हम इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके अंदर जो स्केल्स होते हैं वो डर्मली प्रेजेंट होते हैं और फिर इनके अंदर जो गिल्स होते हैं वो सपोर्ट होते हैं अपरकुलम से अपरकुलम एक फ्लैप होता है जो गिल्स को जो है वो प्रोटेक्ट करता है और उसको कवर कर देता है फिर इसके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसको हम कहते हैं स्विम ब्लैडर स्विम ब्लैडर बेसिकली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की एक आउट पाउच है ये पाउच के अंदर जो है वो समटाइम्स एयर या ऑयल फिल हो जाता है जिसकी वजह से आपकी मछली या फिश पानी के अंदर कोई भी डेप्थ मेंटेन कर सकती है यानी अगर मछली ने एक सर्टन डेप्थ के अंदर जो है वो स्विम करनी होगी तो वो अपने स्विम ब्लैडर को जो है वो खाली कर लेगी जिसकी वजह से उसका जो है वो बॉडी के अंदर डेप्थ से जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और वो पानी के अंदर नीचे चली जाएगी और तैरना शुरू करेगी और जैसे ही मछली ने ऊपर आना होगा ये सरफेस के पास ट्रैवल करना होगा तो उसका स्विम ब्लैडर के अंदर एयर या ऑयल जो है वो भर जाएगा और ये जो है वो उसे हेल्प करेगा प्यौन से यानी कि सरफेस के पास आने में तैरने के अंदर इसीलिए कहते हैं कि ये जो आपका स्विम ब्लैडर की जो डिवेलपमेंट थी इसने आपके फर्दर लंग्स की डिवेलपमेंट को क्रिएट किया यानी स्विम ब्लैडर इज़ द प्रमेटिव फॉर्म ऑफ द लंग्स इसके अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर भी जो होते हैं मेल एंड फीमेल जो होती हैं वो सेपरेट होती हैं इनके जो गोर्नेट्स होते हैं यानी टेस्टिस या जो ओविस्के ओविडक्स होंगी वो पेयर्ड फॉर्म में होती हैं फर्टिलाइजेशन जो होती है वो पानी के अंदर होती है सम टाइम मछलियाँ जो है वो पानी में डायरेक्टली एग्स को ले करती हैं सम टाइम्स एग्स तो ले होते हैं लेकिन जो उनके बेबीज होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं बाय द मदर जिसको हम ओ वी 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 पैरस कहते हैं एंड सम टाइम वी वी पैरस होते हैं इट मीनस कि जो एग्स होते हैं वो मदर की बॉडी में हैच होते हैं और यंग वर्क्स डायरेक्टली पानी के अंदर जो होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन की बात करें तो इनके गिल्स जो थे वो डिज़ाइन हुए थे फॉर द डपरेशन प्रोसेस फिर अगेन ये स्विम ब्लैडर जो था उसने मछली के अंदर जो था वो कोई भी हाइट या कोई भी पानी के अंदर डेप्थ अचीव करना विदाउट द वेस्टिंग ऑफ एनर्जी पॉसिबल किया था टीत जो होते हैं वो हर मछली में प्रेजेंट नहीं होते यानी कि जो भी मछलियाँ या जो भी फिशेस ग्रास या एल के ऊपर फीड करेंगी उनके अंदर टीत जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे